क्यों काट रही हैं बताइए? कैंसर की मेडिसिन नहीं मिल पा रही है। किसको हुआ है कैंसर? मम्मी को कैंसर हुआ था, 2 महीने हो गए, 2 महीने से दवाइयाँ मिल नहीं पा रही है। क्या बोलते हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर्स कहते हैं हमने बुला लिए हैं पर आ नहीं रही है, दे दिए उनको लेटर बट अभी तक आई नहीं है। और 181 पे भी कॉल किए थे तो उससे भी हमको कोई राहत नहीं मिली है। बोलते बालाघाट तक आ गए, 3 दिन से लगातार बोलने जा रहे हैं कि आ जाएंगी कल आएंगी। ये मेडिसिन फिर आप कहाँ से ले रही हैं? अभी बाहर से ले रहे हैं मेडिसिन, बाहर से जो मेडिसिन ले रहे हैं वो इतनी वो है कि अपन खाते हैं जैसे वैसे ही 3 घंटे तक बेहोश रहते हैं। और यहाँ की मेडिसिन से राहत है, बाहर की मेडिसिन से राहत नहीं है। क्या नाम है आपका? दीपाली करमवीर। ये आप किस समस्या को लेकर अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं? आज ये यह है कि यहाँ पे से शिकायत मिली कि यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं कैंसर के 2 माह से ख़त्म हो गई, क्योंकि चूंकि कैंसर जैसी इतनी खतरनाक बीमारी है और उसके 2 माह से दवाई हॉस्पिटल में नहीं है। हाँ, मेरा मध्य प्रदेश की सरकार से यह कहना है कि वह छिंदवाड़ा के साथ दोगला व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब जो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनने छिंदवाड़ा को मेडिकल कॉलेज दिया, लेकिन आज जब शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है उसके बावजूद भी आज यहाँ की जनता सिर्फ परेशान हो रही है। तो बस मेरा यही मांग है कि ये जो दवाइयाँ जो हॉस्पिटलों में नहीं है वह जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं, और फंड नहीं है इस तरह की बातें ना किया जाए, क्योंकि डॉक्टर से भी बात हुई है तो डॉक्टर ने कहा कि दवाइयों के लिए हमने 3-4 बार लिख के पहुँचा दिए हैं, वो भोपाल और बालाघाट से आती है, तो जब वो दवाई अभी तक नहीं आई है तो मेरा यही कहना है कि सरकार क्यों नहीं पहुँचा रही है। तो छिंदवाड़ा के साथ दुगला व्यवहार ना करें और जल्द से जल्द छिंदवाड़ा की जनता को जो दवाइयाँ जो भी चीज़ उपलब्ध होती है वह उपलब्ध कराए, यही मांगे मैं रेशमा खान महिला सेविका।